हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। तो भाई कल बताया था ना रात को सोते टाइम, मतलब सुबह सुबह सोते टाइम कि जाएंगे हम लोग घर देखने के लिए, मैं, विनय और सिब्बू। देखो मैं तो रेडी हूँ भाई, नहा धोके बिल्कुल परफेक्ट। और ये देखो, हाँ क्या कह रही थी, सुबह जाऊंगी घर देखूंगी तुम्हारे साथ। फिर यार मैं क्या सोच रही थी ना। हाँ क्या सोच रही थी तू, पहले तो उठ के यहाँ पे आ, रानी की तरह लेट मत, महारानी मत बन ज्यादा। अब बता क्या सोच रही थी तू। यार मैं चल लेती पर मेरा ना बिना नहाए जाने का मन नहीं था। गाइस ये भी मतलब मेरे से पहले उठी थी थोड़ी सी, हालांकि मैं इसके बाद उठा था, फिर भी मैं तो रेडी हो गया। ऐसे ही होता भाई, ऐसे ही होता। क्यों नहीं जा रही तुम? जाना अभी तो तुम बुक करने जा रहे हो घर भाई, सिलेक्ट कर दिया, बुक कर दिया, पेमेंट कर दी, शिफ्ट होना है बस कल, ऐसा तो है नहीं। तो अभी तुम जाओ देख के आओ, ठीक है, पसंद करो, और जब तुम्हें पसंद आ जाए तो मुझे बुलाना कि भाई ऐसे मालिक लोग पहले भटकते नहीं है, पहले तुम भटको फिर मैं जाऊंगी। पता है क्या, फिर बात करने की, ये डन करो या मत करो पहले। फिर बाद में पता है क्या बोलेगी कि ये वाला घर क्यों ले लिया, ये वाला क्यों पसंद कर लिया। ये कैसे लोगे, देखने जा रहे हो ना। यार तू जा रोटी खा के सो जा, चल जा रोटी खा पानी पी सो जा, भाग यहाँ से। देख क्या डर नहीं करना गाइस, सरदर्द की गोली का नाम बताओ कुछ अच्छा सा, मैं अभी लूंगा मेडिकल स्टोर से। चलो तू तो सरदर्द की वो है पैदाइश, मतलब तेरे कारण सरदर्द पैदा होता है। मेरे को तो खत्म करना चाहिए, खत्म करने वाली दवाई चाहिए सर में। उठा के फेंक दूंगी बालकनी में। गाइस तो फिर भाई अभी मैं और विनय जा रहे हैं। आ जा भाई विनय, तू कहा है, तू तो रेडी होगा है भाई। आर यू रेडी? तेरे से पहले चल, ये हो गया था मेरे से पहले रेडी। चलो भाई चलते हैं और आज घर देखने जा रहे हैं भाई हम। तो गाइस देखो फिर से निकलते ही वही दिक्कत, आगे के लेफ्ट वाले टायर में फिर से भाई पंचर है, देख रहे हो। तुमने कल ब्लेसिंग्स नहीं मांगी ना भगवान से मेरे लिए कि मेरे को ये पंचर वाली दिक्कत फेस ना करनी पड़े। डेली आ रहा है थोड़ी ना होता है। अभी भाई इस पंचर वाले को देखेंगे क्या कर रहा है क्या नहीं। इससे मैं कई बार पंचर लगवा चुका, जब इसे निकलते तो सही होता है, फिर अगले दिन फिर पंचर मिलता है। कौन यहाँ इसे लगवाता हूँ ना मैं। लगवाता आगे से लगवाया करना। उससे लगवाऊं? कोने वाले जो शूट पे लगवाया था एक बार, उसे लगवा लेंगे। चलो भाई पंचर वाला ही बदल दिया भाई हमने, अब देखेंगे दिक्कत होगी या नहीं। कहाँ गए वो पंचर वाले भैया, कहाँ गए यार? ये नीचे है। नीचे है क्या? तो गाइस अभी पंचर वाले भाई दिखाऊंगा आपको, पहचानना इनको कौन है ये, ठीक है? आप शकल दिखाओ अंकल, ये दिखी अंकल की शकल, पहचान में आया कौन है? ये वो वाले जो हम पतंग वाला शूट कर रहे थे ना 15 अगस्त पे, उसमें जो मैं कह रहा था कि 1 रुपए का डिस्काउंट दे देना, वो वाले। ये देखो भाई ये हमारे पंचर वाले भाई, अभी लगाएंगे पंचर हमारी गाड़ी में। अंकल पंचर निकला या नहीं निकला? देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। अच्छा अभी चेक नहीं हुआ ना, चेक कर रहा हूँ भाई, पानी लगा के चेक करूंगा, पानी लगाऊंगा। बढ़िया पानी लगा के करना। तो भाई इस भाई ने बताया अभी पंचर वाले ने कि 2 पंचर है बारीक बारीक, तो भी ना अभी चेक करने गए है। क्या 2 कितने हैं? छोटे छोटे हैं बिल्कुल। कील लगी है या क्या है? कील कुछ भी नहीं है उसपे। अच्छा बस बबल्स आ रहे हैं और वहीं से हवा लीक होती होगी। हाँ वहीं से हवा होती है लीक, करवा ले फिर, बोल दिया लगाने को। लगा दो भैया दोनों, सुनाई दे क्या? कहाँ सुनाई देगा, दूर खड़ा हो। भैया कितने पंचर निकल गए गाड़ी में? कम से कम 5-6 पंचर है, ठीक है, और बारीक बारीक पंचर है जी। 5-6 पंचर? हाँ बारीक बारीक है एकदम छोटे छोटे। तो टायर तो खराब नहीं होगा ना गाड़ी का? टायर खराब नहीं होगा, बट इसके बाद जो है ये पंचर लगाने के बाद फिर अगर निकले तो ट्यूब लगवा लेना, ट्यूब लगवाने जरूरी पड़ जाएंगे क्योंकि टायर नहीं है अभी। अच्छा ट्यूबलेस खत्म हो जाएगा फिर ये? हाँ ट्यूबलेस खत्म हो जाएगा तो। यार ये तो दिक्कत है। टायर बदलो सर, 7,000 से ऊपर का टायर है ये, 17,000 का टायर। तो फिर बताओ वैसे वाले 17 या 20,000 का आता है टायर, तो बताओ सर इतना महंगा। हैंडब्रेक लगा दिया भाई, लग गया हैंडब्रेक। चलो भाई लगा दो 5-6 पंचर जो है, क्या करे ना लगे हैंडब्रेक। लग गया भाई, लग गई, घुमाइए टायर, पीछे की टायर में लगी है। हाँ तो आगे का ब्रेक होगा भाई फिर देखना आप। हाँ ठीक है, हाँ ठीक, ओके लगा दो भैया। डिस्काउंट तो दोगे फिर, छोटे पंचर है तो टोटली डिस्काउंट है, आप मत देना रुपया एक। ये तो ना इंसाफी है, टोटल डिस्काउंट है जी, ये तो ना इंसाफी है, ये डिस्काउंट थोड़ी है। और सर्विस स्टेशन भी है अपनी, वहाँ गाड़ी धुलवा लेना, RDCT गेट नंबर 2 के अंदर फ्री में। हाँ अरे हम फ्री वाला काम नहीं करते ना, हम डिस्काउंट मांग लेते हैं। अंदर के क्लीनिंग, ड्राई क्लीन,
वॉशिंग, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, सब कुछ फ्री वाला काम नहीं चाहिए हमें, डिस्काउंट वाला काम चाहिए। डिस्काउंट ही है सर, टोटल डिस्काउंट है, मतलब भाई पूरे पैसे देने पड़ेंगे इनको। ठीक है भैया लगाओ पंचर। भाई ये 6-7 पंचर कैसे निकल गए मेरे को समझ नहीं आ रहा। बिना छोटे छोटे है ना, इतने बारीक बारीक है बिल्कुल की हवा लीक होती है उनमें से, ना कील लगी है ना कुछ लगी है, समझ नहीं आ रहा क्या सीन हो रखा है। 6-7 पंचर है ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे कर करके, गलत ही सीन है भाई यार। अब टायर बदलवाना पड़ेगा क्या मैं फिर? टायर तो यार 20,000 से नीचे का नहीं आने का मेरे हिसाब से। पूछूंगा एक बार महिंद्रा में फोन करके कि टायर कितने का है। वैसे कितने किलोमीटर पे बदलता है भाई गाड़ी का टायर? कितने किलोमीटर पे? हाँ अराउंड 50-60 किलोमीटर। 50,000-60,000 चला के ना अभी। ये बड़ी है जैसे, इसमें तो मुझे लगता है 1,00,000 तो कहीं नहीं गए। 1,00,000 निकाल देगा ये टायर तो। अभी कितनी चली है? 30,000 चली है। छोटी गाड़ी का होता है 50-60,000। अच्छा वैसे टायर घिसा कहाँ है? ऐसे कैसा अभी है? घिसा अभी तो ऐसे चलेगा, बढ़िया कंडीशन में है तो चलेंगे आराम से 1,00,000 तो आराम से। 1,00,000 किलोमीटर तो चलने चाहिए, 30,000 किलोमीटर चली अभी तो। बाकी तो वो ड्रैग रेस करता है तो कुछ कह नहीं सकते यार। जिंदगी में एक्सयूवी से 3 बार करी होगी ड्रैग रेस ज्यादा से ज्यादा, ऐसे कह रहा तू ड्रैग रेस कर। वैसे तो मेरा प्रोफेशन ये है ड्रैग रेस करने का, उससे टायर ज्यादा घिसते है ना। तो भाई 3 बार में ही घिस जाएगा सारा टायर। तो कर तू डेली कर, कोई दिक्कत कर लूंगा मैं डेली। तू क्यों जल रहा है मेरे लाइफस्टाइल से? कुछ भी यार। बाकी गाइस आज एशिया कप में इंडिया वर्सेस नेपाल क्रिकेट मैच है, पाकिस्तान वाला तो भाई बारिश के कारण ड्रॉ हो गया, वरना तो पाकिस्तान हारती हारती और इंडिया जीतती जीतती। तो होगा नहीं अब दोबारा? नहीं, जो बारिश के कारण मैच रद्द हो गया वो रद्द हो गया ना, नो रिजल्ट, दोबारा नहीं होगा वो। क्यों दोबारा होगा? वो तो फिक्स होता है मैच उस दिन के लिए, उस दिन रिजल्ट आ जाता है हार जीत का तो ठीक है, वरना बारिश वारिश के कारण जो होता है वो फिर रद्द हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है वो मैच। तो आज नेपाल के साथ गाइस, देखते हैं क्या रहेगा। वैसे तो इंडिया ही जीतेगी पर देखते हैं कि नेपाल क्या खेलेगी, कितना खेलेगी, कितना तगड़ा इंडिया को टैकल कर पाएगी नहीं कर पाएगी। चार लगाया पंचर? चार चार है जी, चार। क्या रुपए हुए? 200 रुपए। 200 रुपए? नो डिस्काउंट? डिस्काउंट आपके लिए साहब। ये स्कैनर दे दिया भैया ने, मतलब डिस्काउंट नहीं है, 200 रुपए ही करने हैं सर आपके लिए डिस्काउंट है, नहीं तो ट्यूबलेस के तो 300 रुपए बनते हैं। ओह माय गॉड, चलो कर रहा हूँ भैया। हाँ भैया मंथ कैसा है? बहुत बढ़िया भाई। तो आज तू डॉक्टर के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर भी बन गया। तो भाई आज ही हमें दिखा के लाएगा बढ़िया बढ़िया घर। तूने डीलिंग का काम कब से खोला भाई? वैसे तू कुछ भी करवा सकता है मेरे से। बता कहाँ चलना है फिर हमें दिखा। तूने देखे ऑप्शन? देखे हैं वैसे भाई, मैंने सिर्फ 2 देखे थे। 2 ऑप्शन देखे तूने? चल दोनों घर दिखा दे फिर हमें। दो मैंने, एक की तो तेरे को वीडियो भेजी थी। वीडियो में यार समझ नहीं आया कुछ खास, तो तू अभी एक चल के दिखा दे और दूसरे की। एक का तो फायदा नहीं है देखने का, फ्लैट अच्छा है लेकिन वो 1 महीने बाद खाली होगा, तो वो भी उन्होंने, मैंने यही कहा था कि भाई ऐसे ऐसे इमीडिएट चाहिए, तो बोला 1 महीने के बाद ही एक फ्री होगा फ्लैट, तो उसको तो देखने का फायदा ही नहीं अभी। तो फिर इसका मतलब एक ही ऑप्शन तो हुआ, देख लेते अगर देख। अबे यार तू कैसा आदमी है, और ढूंढेंगे भाई आज। आज ढूंढेंगे ना, अभी ढूंढेंगे साथ में भाई। आज हम बहुत सारे घर ढूंढने वाले हैं, मतलब बहुत सारे घर देखने वाले हैं और उसमें से एक पसंद तो करना ही करना है यार। तो गाइस बहुत सारे घर देखे और वापस घर आ गए हम लोग, और मेरा फोन हो गया था स्विच ऑफ, तो मैं ब्लॉग तो बना नहीं पाया ज्यादा, बस जैसे ही हमने घर देखने स्टार्ट करे फोन बंद हो गया। फिर गाड़ी में चार्ज वार्ज भी लगा रहा था, पर वही है यार ब्लॉग बना ही नहीं पाया क्योंकि बैटरी थी नहीं फोन में कुछ खास। पर देखे घर कुछ ज़्यादा समझ नहीं आए, और लेट्स सी अभी और देखने जाएंगे घर। अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। फिर कल सुबह 11 बजे मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग लेट हो गया गाइज क्योंकि थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, सोता रह गया मैं, सो के लेट उठा। तो चलो गाइज बाय, आई लव यू, टेक केयर।